ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। औरतें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर 1, अगर किचन के फर्श पर कोई चिपचिपा पदार्थ है तो उसे ब्लीच और ब्रश से साफ करें। नंबर 2, अपने घर में किसी भी जगह से पानी को टपकने ना दें, इससे आर्थिक संकट आ सकती है। नंबर 3, खाने में खीरा और लहसुन का प्रयोग 2 महीने तक करें, इससे घुटनों के दर्द से आराम मिलेगा। नंबर 4, घर में फटे पुराने कपड़े और बेडशीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, यदि जोड़ों का दर्द है तो रोजाना 3 से 4 खजूर का सेवन करने से आराम मिलता है, क्योंकि खजूर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। नंबर 6, यदि सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं तो शरीर में तांबे की कमी है, ऐसे लोगों को तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी पीना चाहिए। नंबर 6, यदि आपको सुबह फ्रेश होने में तकलीफ होती है तो सौंठ वाले पानी का सेवन करें, यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। सौंठ का सेवन माइग्रेन की समस्या से भी राहत दिलाने का काम करता है। नंबर 8, यदि नाखून न बढ़ने की समस्या है तो नाखूनों पर नारियल के तेल से मालिश करने की कोशिश करें, या आप लहसुन का तेल लगाकर भी नाखून बढ़ा सकते हैं। नंबर 9, रसोई में अगर रोटी बनाने के बाद तवा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर में मुख या पति का सेहत खराब हो जाती है। इसलिए याद रखें, तवा या कढ़ाई जब भी प्रयोग करें उन्हें धोकर अच्छे से सुखा कर रखें। नंबर 10, सुबह का नाश्ता ही आपके स्वास्थ्य का पहचान है, इसलिए नाश्ता कभी भी ना छोड़े। अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता करें। हमेशा नाश्ता थोड़ा हेवी करना चाहिए, जिससे बार बार कुछ खाने की आवश्यकता ना पड़े। नंबर 11, नारियल को तोड़ने से पहले फ्रीजर में 10 से 15 मिनट तक रख दें, इससे नारियल आसानी से टूट जाता है। नंबर 12, अगर रात में नींद अच्छे से ना आती है तो सोने से पहले वॉक करना आपको स्ट्रेस फ्री महसूस करने में मदद कर सकता है, और साथ ही यह नींद को बेहतर बनाता है। नंबर 13, यदि आप फटी एड़ियों से परेशान हैं तो पीपल के पत्ते का रस लगाएं, इससे फटी एरिया ठीक हो जाती है। नंबर 14, आंवले और कलौंजी का तेल बालों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और बालों को बढ़ाने के लिए मददगार है। नंबर 15, बालों को सूरजमुखी का तेल से मालिश करने से बाल मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। नंबर 16, बाजरे की रोटी खाने से गैस और बदहजमी दूर होती है, इसलिए बाजरे की रोटी खानी चाहिए। नंबर 17, आलू और नींबू के रस को एक साथ मिलाकर चेहरे पर मलने से टैनिंग की समस्या दूर हो जाती है, यह लगाने से चेहरे पर ब्लीच जैसा चमक आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।